मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की सुनवाई इंदौर की जिला कोर्ट में चल रही है। लगभग एक वर्ष से पहले पलासिया पुलिस के द्वारा पूरे मामले में भोपाल की 5 महिलाओं और एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही पूरे केस की सुनवाई जिला कोर्ट में लगातार जारी है। सुनवाई में लेट लतीफी को लेकर पिछले दिनों ही जिला कोर्ट ने SIT को इलेक्ट्रॉनिक सबूत जल्द से जल्द कोर्ट के सामने पेश करने के निर्देश दिए थे, जिसकी सुनवाई शनिवार को जिला कोर्ट में हुई। हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले की सुनवाई के दौरान SIT की ओर से एक पत्र जिला कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें SIT के अधिकारियों द्वारा कोर्ट से गुहार लगाई गई कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, जिसकी जांच पड़ताल हैदराबाद की लैब में की जा रही है। इस पूरी जाँच में 2 से 3 सप्ताह और लगेंगे। 2 से 3 सप्ताह बीत जाने के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ वीडियो सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। SIT द्वारा पत्र प्रस्तुत करने के बाद जिला कोर्ट ने आदेश दिए कि 23 नवंबर को उन सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। पहले द्वारा उन सबको कारण बताओ नोटिस दिया गया था, जिसमें उनसे पूछा गया था क्यों ना आप पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो बहुत टाइम से न्यायालय को प्रॉपर जवाब नहीं दे पा रहे थे। जो जाँच एजेंसी है SIT, उसकी तरफ से कोई प्रॉपर जवाब नहीं आ रहा था। तो उस नोटिस के उसमें इन्होंने जवाब दिया है जो लिखित में दिया है, जिसके लिए विचार के लिए न्यायालय ने 23/11 का समय अगली पेशी को दिया है। उस दिन उस पर विचार किया जाएगा और इसमें जो हो सकता है कि न्यायालय और सख्त रुख अपना, क्योंकि इन्होंने फिर से एक रिपोर्ट पेश करी है हैदराबाद से, जो हैदराबाद की जो फॉरेंसिक लैब है वहाँ से फिर से एक रिपोर्ट पेश करवाई है, जिसमें इन्होंने 2 से 3 सप्ताह का समय और मांगा है। तो हो सकता है कि न्यायालय और कड़ा रुख अपना सकता है इसमें। किस तरह का कड़ा रुख अपनाने के उम्मीद है इस पूरे मामले में, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया, तकरीबन 1 साल होने को आया पूरे मामले पर। न्यायालय कार्रवाई कर सकता है जांच एजेंसी पे, हो सकता है कि न्यायालय किसी और जांच एजेंसी को इसको सौंपने के या अधिकारियों को चेंज करने तक का भी वो निर्णय ले सकता है। चूंकि पूरे मामले में 1 साल से अधिक हो गया, तो अब आगे इसमें किस तरह से सुनवाई होगी, क्योंकि जो चालान की भी बात आ रही है, अभी तक चालान भी पेश नहीं हुआ। इस तरह से चालान पेश हो चुका है इसमें अभी जो है चार्ज पे है, जो चार्ज लगाए जाते हैं, पर चार्ज लगाने के पहले जितने भी एविडेंस प्रोसिक्यूशन होता है वो न्यायालय में प्रस्तुत करता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो अभी तक जो SIT, जो इनकी टीम है जांच एजेंसी, उसने अभी तक पेश नहीं किए। तो उसी को लेकर के हमारा एक आवेदन था कि जो जांच एजेंसी पहले इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को पेश करे, उसके बाद चार्ज लगे इस मामले में। तो उसी प्रोसेस में रुकावट पैदा हो रही थी, जिसको लेकर के न्यायालय ने इतना कड़ा रुख अपनाया था। अब पूरे मामले में 23 तारीख को हुआ मामला, 23/11 पे इस पर विचार किया जाएगा। जो जवाब दिया है SIT के जितने भी अधिकारियों को नोटिस किया गया था वो सब इसमें जवाब देंगे। अच्छा, अभी तक जवाब जो मांगा गया था उसमें क्या हैदराबाद की लैब का उल्लेख किया गया? हाँ, हैदराबाद की जो फॉरेंसिक लैब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भेजा गया है, वहाँ से अभी तक उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिला है। वो बोले 2 से 3 सप्ताह का समय और चाहिए उन्हें। अच्छा, तो वो एविडेंस को वापस, जो उनकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट के साथ एविडेंस वापस न्यायालय को, इनको SIT टीम को देंगे और SIT